तो आपको सबसे पहले ये बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये पत्थर वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है। पत्थर वाला पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये मॉडल का फोटो को ऐड कर देना है। ऐड कर लेने के बाद आपको जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन पे और फोटो को क्रॉप कर लेना है। फोटो को क्रॉप कर लेने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने लेयर वाले ऑप्शन पे जाके मूव डाउन कर देना है और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इसके बाद इसका इरेज वाले टूल में जाना है और इसे अच्छी तरह से इरेज कर लेना है। इसे अच्छी तरह से इरेज कर लेने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। डुप्लीकेट लेयर बना लेने के बाद आपको दूसरे साइड भी इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। दूसरी साइड एडजस्ट कर लेने के बाद आपको मूव डाउन कर लेना है और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। आपको दोनों फोटो को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। आपको इसके बाद आपको इरेज वाले टूल में जाना है और नीचे की साइड से जो पत्थर के नीचे है वहाँ से आपको इरेज कर लेना है। इरेज कर लेने के बाद आपको दूसरे वाले फोटो को भी इरेज करना है। इसके बाद इसके लिए इरेज वाले फिर से इरेज वाले टूल में जाना है और दूसरे वाले फोटो को भी इरेज कर देना है। तो आप इरेज वाले टूल में फिर से जाना है और हार्डनेस को 1 में कर लेना और साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और सिटी को कम कर देना है। सिटी को थोड़ा ज़्यादा कम कर लेना है, आपको करीब 14-15 रखना है। और इसे दोनों साइड से इरेज कर लेना, एक साइड इरेज कर लेना है आपको अच्छी तरह से। इसके बाद आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद दूसरा फोटो को आप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से इरेज वाले टूल में जाना है और हार्डनेस को 1 और सिटी को भी घटा लेना है, साइज अपने हिसाब से कर लेना है। इसके बाद आपको इरेज कर देना है फोटो को। आपको इसे अच्छी तरह से इरेज कर लेना है। इसके बाद आपको इस फोटो का कर लेना है डन। इसके बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मॉडल का फोटो को फिर से ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से पत्थर में एडजस्ट कर लेना है। इसे पत्थर में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको कर लेना है इस फोटो को डन। इसके बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कर लेना है इस फोटो को ऐड। ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको।
इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जाना है रिटच वाले ऑप्शन पे। रिटच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है हेयर कलर वाले ऑप्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ से ले लेना है ब्लू कलर। ब्लू कलर को चूज़ कर लेने के बाद आपको हेयर से पूरा इरेज कर लेना है। पहले इरेज कर लेने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से Not bad. से इरेज कर लेना है। इरेज कर लेने के बाद आपको अमाउंट को थोड़ा सा घटा लेना है और बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको इसे आँख में कलर कर देना है। इसके बाद आप जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से आँख में लगा लेना है। दूसरे वाले आँख पे भी इसे अच्छी तरह से लगा लेना है।